लेबनान का हिजबुल्ला लगातार इजराइल के भीतर घुसकर एक के बाद एक ड्रोन ऑपरेशन कर रहा है और धीरे धीरे करके अब हिजबुल्ला के पास इजरायली सेना के कई संवेदनशील ठिकानों की जानकारी आ गई है। इसके अलावा इजराइल में कहां कौन सी कमांड है और कहां पर हथियार बनाने वाली कंपनियों के कारखाने हैं, ये सब हिजबुल्ला को पता है। हिजबुल्ला का कहना है कि कब्जे वाले फिलिस्तीन में IDF ने कहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, इसकी जानकारी उसके पास है। और अगर इजराइल ने हिजबुल्ला से युद्ध किया तो ये जंग इजराइल को बहुत भारी पड़ जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि इजराइल नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी INSS ने की है। INSS का कहना है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्ला के साथ युद्ध लड़ा तो हिजबुल्ला के बड़े पैमाने पर हवाई हमले इजराइल को बेहद ही गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। INSS का कहना है कि हिजबुल्ला ने 8 अक्टूबर 2023 के बाद से 5000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ दागे हैं। इसमें भारी तबाही मचाने वाले गोले, रॉकेट और डायरेक्ट फायर प्रोजेक्टाइल्स हैं। हिजबुल्ला ने इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी हमला किया है। हिजबुल्ला के इन हमलों में 29 इजराइलियों की मौत हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर रूप से नुकसान भी हुआ है। हालांकि INSS का कहना है कि हिजबुल्ला के हमलों का ज्यादातर असर सेटलमेंट्स और प्रमुख शहर किरियत शमोना पर पड़ेगा, जहां पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, और इस इलाके में इजराइल के 28 सेटलमेंट्स और किरियत शमोना आते हैं। हालांकि यहां से नागरिक आबादी को पहले ही निकाल दिया गया है, लेकिन हिजबुल्ला के हमलों की वजह से सेटलर्स इन इलाकों में अभी तक वापस नहीं लौट पाए हैं। INSS ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि हिजबुल्ला 2006 के युद्ध के बाद से इजराइल के लिए प्रमुख सैन्य खतरा बन गया है। अब हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें, रॉकेट्स और अन्य घातक हथियार हैं। हिजबुल्ला के पास मीडियम और लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें, जिनमें क्रूज, बैलिस्टिक और एडवांस कोस्टल एंटी शिप मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास हजारों ड्रोन्स और ATGMs हैं। यही नहीं, हिजबुल्ला के पास एडवांस साइबर सिस्टम है, जिसे सैन्य हथियारों के साथ जोड़ने पर नागरिक ठिकानों और सैन्य टारगेट्स पर भारी तबाही मचाई जा सकती है। और अगर ये जंग एक महीने तक खिंची तो इससे इजराइल को गंभीर नुकसान हो सकता है। वहीं इजराइल की बात की जाए तो IDF के एयर डिफेंस सिस्टम एक दिन में हजारों हवाई हमलों का सामना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आयरन डोम या अन्य एयर डिफेंस सिस्टम सभी हमलों को इंटरसेप्ट कर पाए। ऐसे हालातों में इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी पड़ जाएगी, और इसके अलावा इजराइल के ऊपर ईरान, सीरिया, इराक और यमन से भी हवाई हमले हो सकते हैं, और इस स्थिति में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है।